क्वेश्चन नंबर 15 इजी है बट इंपॉर्टेंट है. लैंग्वेज थोड़ी सी डिफरेंट. ABCD पहले चार पार्टनर्स 36, 24, 20, 20, 50, 60, 80, 100. ठीक है, तो 36%, 24%, 20%, 20%. ई जॉइन्स द पार्टनरशिप फॉर 20% शेयर एंड ABCD इन फ्यूचर वुड शेयर profits among themselves in the ratio 3:4:2:1. E ko de do 20%, baki jo bach jayega ABCD aapas mein 3:4:2:1 ke ratio mein baant lenge. Ab dhyan se dekhna. E joins for 20% share which is equal to 1/5, yes or no? Yes sir. Yes sir. तो अगर 1/5 E ले रहा है, तो remaining share क्या है? 1 minus 1/5, which is equal to 4/5, yes or no? Yes sir. 4/5 जो बच जाएगा, वो कौन बांटेगा? A, B, C, D. इन द रेशियो 3:4:2:1. तो ध्यान से देखना, रिमेनिंग शेयर 4/5 है, विच इज 80%. इसमें कोई डाउट? नो सर. अब अगर 80% है तो ए विल गेट, या मैं डायरेक्टली यहां पे आपको बताता हूं, कैलकुलेशन ऑफ न्यू रेशियो. ए को क्या मिलेगा? 4/5 का जो भी बच गया 3:4:2:1 के रेशो में बांट रहे हैं 3/10. बी विल गेट 4/5 का 4/10. सी विल गेट 4/5 का 2/10 और डी विल गेट 4/5 का 1/10. तो ये जो लाइन थी कि among themselves in future partners would share among themselves in the ratio 3:4:2:1. तो ये 3:4:2:1 जो बच गया था, बचा था 4/5. तो 4 3 12/50, 4 4 16/50, 4 2 8/50, 4 1 4/50. तो न्यू रेशियो ABCD का है. E का क्या था? 20%, विच इज 1/5. अगर 50 के टर्म में बात करें तो 10/50. तो न्यू रेशियो क्या आया? ध्यान से देखना, ए बी सी डी ई 12:16:8:4:10. 2 से कट रहे हैं, रेशियो हमेशा सिंपलेस्ट फॉर्म में होना चाहिए. 2 6 12 2 8 16 2 4 8 2 2 4 2 5 10. तो 6:8:4:2:5. मुश्किल नहीं था, बस ध्यान से करना था. क्वेश्चन नंबर 15 सर. बोलो सर, इसमें फ्यूचर वाली लाइन मतलब है कि इन फ्यूचर आगे से, पहले ABCD पार्टनर्स आपस में किस रेशो में बांट रहे थे? 36:24:20:20. अब उन्होंने बोला ई को भी फर्म में ले लेते हैं. कह रहा अच्छा ले लिया, कह रहा ई को दे दो 20%. यस सर. एंड इन फ्यूचर आगे से हम आपस में किस रेशो में बांटेंगे? 3:4:2:1. तो अगर 20% ई को दे देंगे तो बचेगा कितना? 80%. यस सर. तो जो बचेगा उसको ABCD 3:4:2:1 के रेशो में बांटे. ओके सर. समझ आया? यस सर. गुड.